शिक्षण संस्थाओं ने पूरे महाराष्ट्र में नाम कमाया जब सरकारें नीयत से काम करती हैं तो लोगों का भी पूरा सहयोग मिलता है और तेजी से तरक्की होती है मुझे विदर्भ और महाराष्ट्र के जागरूक मतदाताओं पर गर्व है जिन्होंने आज़ादी के बाद इस प्रदेश में हमेशा कांग्रेस को समर्थन दिया भाजपा जो लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती हैं भावुपये की तरह हमारे सिद्धांतों का मुखौता पहनकर आपके सामने पेश कर रही हैं जहाँ जहाँ और जब, जब जब उनकी सरकारी रही हैं सामाजिक तनाव और आगावाद सामाजिक शोषण को बराबर मिला है जिससे विकास के काम नष्ट होते सरकार में आते ही सौ दिनों में कयाकल्प करने का वादा करते थे लेकिन मंगाए काम करने के नारे को क्या हुआ काला धन विदेश से वापस आने के नारे को क्या हुआ क्या युवाओं को रोजगार देने की कोई शुरुआत हुई अब ये इन खोखलेवादों को दबाने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन बड़े 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 धूम धूमधाम से कोई न कोई नया नारा लगा रहे हैं भारत को विकास की इस मंजिल तक पहुंचाने में एक एक नागरिक ने आप सब ने हमारे वैज्ञानिकों ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के हमारे सभी बड़े नेताओं ने अपना खून पसीना बहाकर देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है लेकिन आज भाजपा ऐसा दिखावा कर रही है जैसे सब कुछ इनकी सरकार आने के बाद हुआ है और जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है जब हमारी यूपीए सरकार थी तब हमारी योजनाओं की ये लोग आलोचना करते थे मजाक उड़ाते थे लेकिन अब ये न केवल हमारी इन्हीं योजनाओं का नाम बदल कर चला रहे हैं बल्कि हमारे उपलब्धियों का सहरा अपने सिर पर बांध रहे हैं कांग्रेस ने तो असली काम करके दिखाए हैं कांग्रेस ने आदिवासियों और दलितों के उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष किया है हमारी सरकार ने आदिवासी भाई बहनों को जंगल की जमीन और उसकी उपज कानूनी तौर पर अधिकार दिया है विदर्भ की तरक्की के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया खासकर खास, खास योजनाएं बनाए हमारी सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों के विकास के लिए भी कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए ताकि आदिवासियों का शोषण ना हो प्रगति का लाभ सभी तक पहुंचे और हमारे युवा गलत रास्ते पर न जाए लेकिन दुख की बात है कि हमारी सरकार के कुछ ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानूनों को भाजपा सरकार ने कमज़ोर करने के कदम उठाने शुरू कर दिया यही नहीं प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी हाल में अमेरिका जाकर मालूम क्या खोया क्या पाया ये तो समय ही बताएगा लेकिन एक बहुत ही नुकसानदायक निर्णय जिससे अमेरिका दवा कंपनियों को बहुत फायदा होगा उन्होंने लिया और नतीजा जीवन रक्षक दवाइयों के दाम जरूर बढ़ गए हैं और आम आदमी को खासकर गरीबों की जरूर जरूर बहुत नुकसान होगा क्या सरकारें इसीलिए होती है सरकारें लोगों की सेवा करने के लिए होती है समाज के सभी वर्गों खासकर आदिवासियों दलितों पिछड़ों गरीबों महिलाओं और कमजोरों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए होती है। Until the